नारियस्तु यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति का यह श्लोक शायद आपने कई बार सुना होगा, जिसका अर्थ है जहां नारी की रिस्पेक्ट होती है वहां देवता वास करते हैं, यानी कि वहां सुख समृद्धि और स्वास्थ्य रहता है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस वहां रहती है। आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। सबसे पहले सभी दर्शकों को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राचीन ग्रंथों में कई जगह पर ऐसा वर्णन मिलता है कि हर लड़की को विवाह से पूर्व शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। न केवल शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, अलग अलग प्रकार की स्किल्स उसको सीखनी चाहिए, स्कॉलर बनना चाहिए, एक्सपर्टीज उसको प्राप्त करनी चाहिए। आज हमारे देश में लड़कियों की जो शिक्षा की स्थिति अगर हम देखें तो बहुत अच्छी नहीं है। एक सर्वे के अनुसार 15 से 18 वर्ष की एज ग्रुप के बीच की लगभग 40% लड़कियां अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट नहीं करती। आज 21वीं सदी में भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज 21वीं सदी में हम रह रहे हैं और अभी भी कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि लड़की को तो क्या पराए घर जाना है, पढ़ लिख करके क्या करेगी, उसको तो घर संभालना है। लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि घर संभालने वाली नारी को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है कि जो नारी है वही बच्चे की सबसे पहली गुरु है। एक अच्छे और सफल इंसान की अगर हम एक कल्पना करें, एक अच्छे और सफल इंसान की नींव बचपन में ही पड़ जाती है और उसमें माँ का बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो यदि माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी तो ये नींव कमजोर रह जाएगी। तो आइए आज सब मिलकर हम एक ये प्रण करें कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। जो सुविधाएं हम अपने बेटों को देते हैं वैसी सुविधाएं अपनी बेटियों को भी देंगे और सबसे महत्वपूर्ण उनको शिक्षित करेंगे और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। आयुर्वेद में फीमेल हेल्थ के लिए एक विशेष ब्रांच है जिसमें अनेक प्रकार के स्त्री रोगों का या जो महिला के जो लाइफ के अलग अलग फेजेज हैं उनके बारे में बड़ा अच्छा वर्णन है, किस प्रकार के उनकी जो हेल्थ की समस्याएं हैं उनको कैसे आयुर्वेद के माध्यम से दूर किया जाए। तो एक स्वस्थ महिला, एक स्वस्थ नारी के लिए हमें ये भी आज प्रण करना है कि हम अपनी बेटियों को आयुर्वेद से भी जोड़ें ताकि वो स्वस्थ रहें, और जब वो स्वस्थ रहेंगी तो परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा, और समाज स्वस्थ रहेगा तो पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा। एक बार फिर सभी को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।